घर पर जाकर कोविड 19 वैक्सीन लगाने के नाम पर फैल रही अफवाह पर एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा कि कोविड वैक्सीन कुछ देशों ने अपने वहां लगवाना शुरू कर दिया है, वहीं भारत में अभी इसकी तैयारी चल रही है। एडीजी जोन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर कुछ जालसाज अफवाह फैला रहे हैं, वह लोगों को पहले वैक्सीन दे देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए जालसाज लोगों से फोन करके आधार कार्ड और वैक्सीन के दामों को एडवांस में मांग रहे हैं, जो पूरी तरह से फर्जी है। एडीजी दावा शेरपा ने कहा कि अपने वहां जब भी वैक्सीन लगाया जाएगा उसका शासन स्तर से उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के टीकाकरण के नाम पर जालसाजों के झांसे में ना आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन दावा शेरपा ने कहा, सर वैक्सीन के नाम पर कुछ जालसाज एक्टिव हैं, उनके लिए क्या कर रखी है? कोविड वैक्सीन चूंकि कुछ देशों में इसका लगाना शुरू हो गया है, अभी हमारे यहाँ बहुत जल्द ही इसका जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होने का अंदाजा है, तो इसी बीच कुछ जालसाज या धोखेबाज लोग ऑनलाइन में बुकिंग कराने लगे हैं कि आप अपने प्राइवेट डिटेल्स यानी कि आधार डिटेल्स वगैरह दे दीजिए और पैसा एडवांस के रूप में जमा करिए, हमारे लोग वैक्सीन घर में आके लगाएंगे। इस तरह के लालच दे रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, तो उसमें आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये फर्जी लोग हैं, ये जालसाज लोग हैं, आपसे पैसा हड़पने की ये प्रयास है। जब कभी भी वैक्सीन लगाया जाएगा इसका व्यापक प्रचार प्रसार सरकार शासन की ओर से की जाएगी और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हम पुलिस की तरफ से भी व्यवस्था देके वैक्सीन लगाया जाएगा। ये ऑनलाइन फ्रॉड लोगों अभी से सक्रिय हो उठे हैं, तो कृपया इनके झांसे में ना आएं।